हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सचिन गोस्वामी एंड आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर सचिन गोस्वामीज इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज जो हम ट्रेजेडी स्टार्ट करने वाले हैं वो है द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई एक रोमांटिक ट्रेजेडी है। एक ऐसी ट्रेजेडी जिस पर बहुत सारी मूवीज़ भी बन चुकी हैं। और वास्तव में अगर जो प्यार की ट्रेजेडीज़ की बात करें तो दोस्तों रोमियो जूलियट का नाम सबसे ऊपर आता है। तो आज इसी ट्रेजेडी को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कैरेक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कैरेक्टर्स। एस्किलस प्रिंस ऑफ वेरोना है। पेरिस एक यंग नोबलमैन है जो कि किंग्समैन है प्रिंस का। ये पेरिस वही व्यक्ति है जिसके लिए जूलियट का मतलब जो जूलियट के लिए जिसका रिश्ता आता है। इसके अलावा इसमें दो परिवार है दोस्तों। एक परिवार का मॉन्टेक परिवार है, दूसरा परिवार है कैपलेट परिवार। ये दोनों मतलब हाउसेस हैं, और मॉन्टेक और कैपलेट। इसके अलावा रोमियो जो है वो मॉन्टेक फैमिली को बिलोंग करता है। ध्यान रखना आप दोस्तों, मॉन्टेक फैमिली को कौन बिलोंग करता है? रोमियो बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में वैसे भी आ सकता है कि मॉन्टेक किस फैमिली मतलब रोमियो किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो आपका आंसर होगा मॉन्टेक फैमिली को। और कैपलेट फैमिली में जो जूलियट है वो कैपलेट फैमिली को बिलोंग करती है। इसके अलावा इसमें मर्क्यूशियो है जो कि किंग्समैन है प्रिंस का और रोमियो का फ्रेंड है। मर्क्यूशियो कौन है? मर्क्यूशियो जो है ये रोमियो का फ्रेंड है। बेनवोलियो ये नेफ्यू है मॉन्टेक का और ये रोमियो का फ्रेंड है बेनवोलियो भी। इसके अलावा टेबेल्ट जो है ये नेफ्यू है लेडी कैपलेट का। लेडी कैपलेट के नेफ्यू का नाम क्या है? टेबेल्ट है। इसको टाइबेल्ट के नाम से आप याद कर सकते हैं, ईजिली याद हो जाएगा। फ्रायर लॉरेंस कौन है दोस्तों? फ्रायर लॉरेंस आप जो कि एक ज्योतिषी के रूप में हम इनको यहाँ पर कह सकते हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल होता है जब जूलियट जो है रोमियो से अलग होती है। और उस समय जूलियट को ये लगता है कि मैं कैसे रोमियो से मिलूँ, तो तब ये एक ट्रिक सुझाते हैं और वो ट्रिक ही कहीं ना कहीं ट्रेजेडी का कारण बनती है साथियों। तो ये फ्रायर लॉरेंस वही हैं। फ्रायर जॉन भी सेम ऑर्डर के हैं। बेल्थजर ये रोमियो का सर्वेंट है। सैमसन एंड ग्रीगरी ये कैपलेट के सर्वेंट हैं। पीटर सर्वेंट टू जूलियस जूलियट नर्स है, और अब्राहम सर्वेंट टू मॉन्टेग है। तो ये आपको जो मेन है ये कैरेक्टर्स आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा लेडी मॉन्टेग, लेडी कैपलेट, जूलियट डॉटर टू कैपलेट, और नर्स जो है वो नर्स टू जूलियट, ये जूलियट की नर्स ही है। इसके अलावा सिटीजन्स ऑफ वेरोना है दोस्तों, और इसके अलावा सीन जो है इसके वो वेरोना और मॉन्टुआ में इसके सीन हैं। तो आई होप कि कैरेक्टर्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आप एक बार इनको और ध्यान से देख लेना, और वेदर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो ऑफ दीज कैरेक्टर्स, और इनको आपको अच्छी तरह से कैरेक्टर्स को पढ़ना है। अब आइए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी को लीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो स्टोरी है रोमियो एंड जूलियट, ये स्टोरी कहाँ स्टार्ट होती है? ये स्टोरी स्टार्ट होती है इटली में, वेरोना में स्टार्ट ये स्टोरी होती है। और स्टार्टिंग में कहानी में आपको दिखेगा कि दो परिवार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो कैपलेट फैमिली है, एक मॉन्टेक फैमिली है। मॉन्टेक परिवार का जो लड़का है रोमियो जो है वो कैपलेट फैमिली की एक लड़की रोजालिन से प्यार करता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत हो जाना वो किससे प्यार करता है। स्टार्टिंग में जो रोमियो प्यार करता है वो स्टार्टिंग में जूलियट से प्यार नहीं करता है, स्टार्टिंग में उसको दिखाया गया है रोजालिन से प्यार करता है। तो जो रोमियो है वो रोजालिन से प्यार करता है, और लेकिन ये जो कैपलेट और मॉन्टेक फैमिली है इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, और बहुत एक दुश्मनी का सा माहौल इन दोनों के बीच में परिवारों के बीच में बना रहता है। अब इसी बीच में क्या होता है, जब रोजालिन जो है ये जैसे कि मैंने आपको बताया कैपलेट फैमिली में की लड़की है, तो कैपलेट की भतीजी है ये कैपलेट परिवार में। तो कैपलेट में वहाँ पर एक मास्क पार्टी का आयोजन किया जा रहा है कैपलेट फैमिली में। अब इसमें ऑब्वियसली सी बात है भाई, रोमियो को तो बुलाया नहीं जाएगा क्योंकि वो दुश्मन परिवार का है। अब रोमियो कैसे जाए ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, घर के जो नौकर होते हैं मॉन्टेग और कैपलेट फैमिली के, इनके नौकरों का भी आपस में झगड़ा हो जाता है, और नौकरों का झगड़ा बड़ों के झगड़ों में तब्दील हो जाता है। उधर जो है दूसरी तरफ इनका जो है रोमियो को अब रोक लग जाती है, रोमियो वहां जा नहीं सकता, परिवार में नफरतें हो चुकी हैं, अब करे तो क्या करे। तो ऐसी सिचुएशन में अब कैपलेट परिवार में एक
पार्टी का आयोजन हो रहा है। और दोस्तों ये उस तरह की पार्टी थी जैसे पहले पार्टीज हुआ करती थी, मास्क पार्टी। तो अब रोमियो सोचता है कि एनी हाउ वो वहाँ पर जाना चाहता है, वो उस पार्टी में जाना चाहता है, लेकिन जाए तो जाए कैसे, किस प्रकार से जाए। तो वहाँ पर जो है जो बेनवोलियो है, ठीक है ना, बेनवोलियो जो होता है, बेनवोलियो जैसे कि मैंने अभी आपको करेक्टर बताया था, बेनवोलियो उसकी हेल्प करता है वहाँ पर उसको पार्टी में शामिल होने के लिए। वो पार्टी में जाता है और पार्टी में जो रोमियो है, रोमियो की जो निगाहें हैं वो ढूंढ रही होती हैं रोजालिन को, रोजालिन की तलाश कर रही होती हैं। लेकिन रोजालिन की तलाश करते करते उनकी मुलाकात हो जाती है, वो घुस जाता है एक कमरे में और वहाँ पर उसकी मुलाकात हो जाती है एक कम उम्र की लड़की जूलियट से। और जूलियट को जब वो पहली बार देखता है रोमियो, तो उसको फर्स्ट टाइम में ही, पहली बार में ही जूलियट से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से, मतलब यूँ मान लीजिए कि ये लव एट फर्स्ट साइट दोनों को होता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब इस बीच में जो रोजालिन है, शायद रोजालिन का जो एहसास है और वो रोमियो के मन से निकल जाता है। अब उसके मन में तो केवल और केवल कौन बसी थी, जूलियट बसी थी। अब लेकिन वो जो उनकी फर्स्ट साइट जो लव होता है वो इतना बढ़ जाता है, वो दोनों एक दूसरे से एक बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में अब उनको ये लगता है कि भाई अब जब हम प्यार करते हैं तो हमें शादी भी कर लेनी चाहिए, लेकिन परिवार एक ऐसी रंजिश पर है, परिवार में इतनी दुश्मनी है, तो अब उनको लगता है कि उनकी शादी कैसे हो पाएगी, भला ऐसे हालात में वो शादी कैसे कर पाएंगे। तो तभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो पहले क्या होते थे, कुछ लोग ऐसे होते थे जो मेडिसिन का भी काम करते थे, ज्योतिषी का भी काम करते थे। तो फ्रायर लॉरेंस जो कि एक पादरी होते हैं, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो उनकी मदद करते हैं। रोमियो उनको बताता है भाई ऐसे ऐसे बात है, अब बताओ मैं क्या करूँ। तो फ्रायर लॉरेंस को लगता है कि अगर जो इन दोनों की शादी करा दी गई, तो इससे क्या होगा, जो आने वाला टाइम है उसमें दोनों परिवार एक हो जाएंगे। मतलब मोंटेक और जो कैपलेट फैमिली है, इनकी जो दुश्मनी है वो मिट सकती है और इनकी वो फाइनली बिल्कुल सीक्रेटली मैरिज भी करा देते हैं। किसकी? रोमियो और जूलियट की। फ्रायर लॉरेंस के द्वारा शादी करा दी जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना दोस्तों, कौन इनकी शादी कराता है? फ्रायर लॉरेंस जो है वो इनकी शादी कराते हैं। क्या सोचकर कराते हैं? वो इस वजह से सोचकर कराते हैं कि इन दोनों परिवारों की जो वो है दुश्मनी वो मिट जाएगी। और शादी में जो जूलियट की नर्स होती है वो भी वहाँ पर मौजूद रहती है, और इसके अलावा मर्क्यूशियो जो इसका दोस्त है वो भी वहाँ पर मौजूद रहता है। और इसी बीच में जो अब इनकी शादी के बारे में इनके परिवार को तो कुछ पता ही नहीं चलता और वो बताना भी अभी नहीं चाहते हैं। अब इसी बीच में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर जो रोमियो, जो ये टिबॉल्ट है, टिबॉल्ट आप जानते हैं कि जो इसका भाई है जूलियट का, यहाँ पर इसे एक दिन जो होते हैं इनका मतलब मुठभेड़ हो जाता है, आपस में मुठभेड़ हो जाता है। और किसका? जो रोमियो का और टिबॉल्ट का, दोनों का आपस में एक लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई का कारण क्या रहा, ठीक है ना, लड़ाई का कारण ये रहा था दोस्तों कि यहाँ पर जो इसका रोमियो का दोस्त है मर्क्यूशियो जो है रोमियो का दोस्त है, वहाँ पर वो टिबॉल्ट से वो लड़ बैठता है। और जब उनकी लड़ाई टिबॉल्ट से होती है तो जो टिबॉल्ट है वो मर्क्यूशियो को मार देता है। अब जो मर्क्यूशियो को मार देता है ये बात रोमियो को पता चलती है, और रोमियो जो है टिबॉल्ट का पीछा करता है और उससे फिर वो लड़ाई करता है, और लड़ाई करते करते वो टिबॉल्ट को मार देता है, टिबॉल्ट भी मर जाता है। तो ये मर जाता है, कुल मिलाकर ये ध्यान रख लिया टिबॉल्ट मर गया, ठीक है ना, टिबॉल्ट की मृत्यु हो जाती है और मार दिया जाता है। किसको मार दिया जाता है? टिबॉल्ट को मार दिया जाता है रोमियो के द्वारा। अब क्या होता है, सॉरी में ये खबर हो जाती है कि रोमियो ने जो है वो टिबॉल्ट को मार दिया। अब रोमियो की तलाश जारी हो जाती है और ये बात जो है वेरोना के राजकुमार के पास पहुंचती है। अब यहाँ पर एक आदेश दिया जाता है कि वहाँ पर रोमियो को देश निकाला कर दिया जाता है, वेरोना से निकाल मतलब निकलने की सजा दी जाती है कि वो वेरोना को छोड़कर चला जाए। अब इसी बीच में
जो रोमियो है, जाने से पहले वो सोचता है कि एक बार वो अपनी जूलियट से जरूर मिलेगा, और वो जूलियट से मिलने के लिए मतलब डिसाइड करता है कि वो जूलियट से मिलने जाता है। और फिर उसके बाद वो किस तरफ मूव करेगा, वो मॉन्टुआ की तरफ मूव कर जाएगा। मॉन्टुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेरोना और मॉन्टुआ दो सेटिंग है दोस्तों, इसमें दो जगह की बात है। अब जूलियट तो बड़ी परेशान है, क्योंकि जूलियट तो अपनी शादी का पूरी तरह से आनंद भी नहीं ले पाई थी, किसी को पता भी नहीं चल पाया था, और वो रोमियो से भी खुलकर नहीं मिल पाई। अब वो बड़ी परेशान होती कि वो करे तो क्या करे। अब इसी बीच में जो जूलियट के फादर हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो इस जूलियट की शादी जो एक उनके ही एक रिश्तेदार हैं, तो वहाँ के काउंट जो पेरिस हैं, पेरिस से तय कर देते हैं। अब जूलियट तो अंदर से तैयार नहीं है मन से कि उससे शादी करने के लिए, क्योंकि वो तो शादी कर चुकी है रोमियो के साथ, अब वो पेरिस के साथ कैसे शादी कर सकती है। अब एनी हाउ वो लॉरेंस के पास जाती है, ठीक है। अब वो लॉरेंस के पास जाती है और वो लॉरेंस से कहती है कि मैं रोमियो के बिना नहीं रह सकती हूँ, मुझे मरना है, मैं मरना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं रोमियो के बिना जी नहीं सकती हूँ। तो लॉरेंस जो है वो ये कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है, और एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक प्रकार की दवा देता हूँ, और तुम इस दवा को जो है इस दवा को खा लेना, और जब तुम इस दवा को खा लोगी तो तुम ऐसी हो जाओगी बिल्कुल फेंटेड हालत में, और मतलब बिल्कुल बेहोश हो जाओगी, ऐसी लगोगी जैसे कि मानो मर चुकी हो। लेकिन इस दवा का जो एक असर है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक रहेगा, एक निश्चित समय तक रहेगा, और जब वो असर खत्म हो जाएगा तो तुम जीवित हो जाओगी, तो और लोग समझेंगे कि तुम मर चुकी हो, और जब तुम्हारे मरने की खबर रोमियो तक पहुंचेगी तो रोमियो भी तुमसे मिलने जरूर आएगा। और ये बात वो सारी की सारी मतलब वो सारी सिचुएशन उसके सामने बना देता है। अब जूलियट को लगता है कि ये बात तो बिल्कुल सही है, जूलियट बहुत खुश हो जाती है और अपने घर पहुंच जाती है, और वो ये कह देती है, अपने पिता से भी कह देती है, मुझे शादी के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और उनके पिता भी जो है अगले ही दिन शादी की घोषणा भी कर देते हैं, डिक्लेरेशन कर देते हैं भाई पेरिस से उनकी शादी है। अब जूलियट को तो पता था उसे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया था। तो जूलियट क्या करती है, जूलियट बिल्कुल अपनी उसी योजना की तरह जो दवा है वो दवाई ले लेती है, और दवाई ले लेती है, वो बेहोश हो जाती है, मरा हुआ सा मतलब बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे वो मृतक अवस्था में हो। सभी लोग सोच लेते हैं कि जूलियट मर चुकी है, और पेरिस को भी जूलियट की डेथ का पता चल जाता है। और तभी फ्रायर लॉरेंस जो है, फ्रायर लॉरेंस ये मैसेज जो है रोमियो को भिजवा देते हैं, रोमियो को भिजवा देते हैं कि जूलियट की मृत्यु हो चुकी है, और इस तरह से मतलब वो सारी बातें पहुंच जाती हैं। अब यहां पर बैल्थजर जो है, जो कि रोमियो का ही परिवार का एक नौकर है, वो जूलियट की डेथ की खबर देने के पास रोमियो के पास जाता है। और इसी बीच में क्या होता है, रोमियो तक वो खबर तो नहीं पहुंच पाती, बट रोमियो जो है, रोमियो को ये जरूर पता चल जाता है कि जो जूलियट है वो अब जीवित नहीं रही है। और जब ये बात उसको पता चलती है कि जूलियट जीवित नहीं रही है, तो उसको बड़ा सदमा लगता है, बड़ा दुख होता है, और वो अपने साथ जो है अपना जहर लेकर आता है। एक तरह से जो वो जहर था वो अपने साथ जहर लेकर आता है। और इसी बीच में रोमियो उस स्थान पर पहुंचता है, सॉरी, और रोमियो उस स्थान पर पहुंचता है जूलियट की लाश के पास में, जो डेड बॉडी होती है। और इसी बीच में दोस्तों जो पेरिस है, पेरिस यहां पर रोमियो को लड़ाई के लिए उकसाता है, उसको कहता है कि कहीं ना कहीं तुम ही इसकी मृत्यु का कारण हो। और रोमियो जो है पूरी तरह से जो है गुस्से से भरा हुआ है, और इवन वो पेरिस को मार देता है, पेरिस भी मर जाता है। और जब रोमियो जो है जूलियट को देखता है, अपनी प्रेमिका के जो मृतक शरीर को देखता है, तो रोमियो बड़ा दुखी होता है, और उसको लगता है कि जूलियट, जब तुम ही नहीं रही तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बेकार है, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। तो वो जो जहर है वो खुद जहर को पी लेता है, और जैसा कि यहाँ पर
ये बात कही गई थी, फ्रायर लॉरेंस ने कहा था कि ये कुछ समय तक असर रहेगा, वही होता है। अब जूलियट को होश आ जाता है, और जूलियट को होश आ जाता है, वो देखती है कि रोमियो जो है मृतक अवस्था में पड़ा हुआ है। अब जूलियट को एहसास हो जाता है कि क्या हुआ होगा, कि रोमियो ने जहर पी लिया। अब रोमियो जो था वो बिल्कुल मरने के कगार पर था, मतलब आखिरी सांसें ही बिल्कुल लास्ट की सी चल रही थी उसकी सांसें। अब जो जूलियट है, जूलियट यहाँ पर क्या करती है, जूलियट भी रोमियो के बिना रहना नहीं चाहती, जूलियट रोमियो के बिना नहीं रह सकती है, तो वो सोचती है कि ये तो इसकी वजह, तो इसकी मौत का कारण तो मैं हूँ, और तुम्हारे बिना, अगर तुम ही नहीं रहे रोमियो, तो तुम्हारे बिना मैं जीकर क्या करूँगी। वो तभी उसको लगता है कि उसके होठों पे जो कुछ जहर का जो निशान होगा वो उसके होठों पर आ जाएगा, तो वो उसके होठों को चूमती है, और उसके होठों को चूमकर उसका जो जहर है वो उसके अंदर आ जाता है। और दोस्तों इस प्रकार से दोनों एक दूसरे की बाहें में बाहें डालकर इस शरीर को विदाई दे देते हैं। कहने का मतलब, दोनों के दोनों जो प्रेमी होते हैं उनका मिलन मरते दम तक भी हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी रोमियो एंड जूलियट की। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, बहुत आसान से शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर जो कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।